आरोग्य जागृति। कोरोना से ठीक होने के बाद क्या आपको ये शिकायतें हैं? पेट में दर्द, टॉयलेट में खून गिरता है या लूज मोशन होते हैं, मछली होती है, उल्टियां होती है, ये सारे साइड इफेक्ट्स कोरोना के हैं जो पेट से संबंधित है। कोरोना की दवाइयां खाने से खून में गुठलियां बन जाती है, जिसके कारण ये सारे लक्षण आमतौर पर देखे जा रहे हैं। क्या ये गंभीर हो सकते हैं? ये आज आरोग्य जागृति में बताएंगे डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल। डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल औरंगाबाद के एम्स हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्हीं से जानेंगे कोरोना के बाद पेट से संबंधित क्या शिकायतें होती हैं और इनका इलाज कैसे करें। आरोग्य जागृति की टीम एम्स हॉस्पिटल जलगांव रोड, यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल जी संचालक एम्स हॉस्पिटल के, आज हम जानेंगे पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बाद पेट की होने वाली तकलीफें या बीमारियां। आरोग्य जागृति के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज का जो टॉपिक है कि कोविड के बाद पेट की समस्याएं, तो कोविड के बाद में काफ़ी सारी पेट की समस्याएं आजकल देखने में आ रही है। जैसे कि कोविड के बाद पेशेंट्स को एक्यूट पैंक्रियाटिस की बीमारी हो रही है। कुछ पेशेंट्स के अंदर इंटेस्टाइन्स का जो ब्लड सप्लाई है वो कम होने से या खून की गुठलियाँ बनने की वजह से मिजेंट्रिक वैस्कुलर इश्केमिया, जिसमें का पेट में काफ़ी दर्द महसूस होता है और पैखाने में खून जाने की शिकायत भी होती है। बहुत से पेशेंट के अंदर जो है एसिडिटी बढ़ने की या हाइपर एसिडिटी जैसे हम कहते हैं, ताकि क्योंकि इन लोगों की काफ़ी दवाइयां चालू होती है, तो इनको भूख नहीं लगना और लूज मोशंस होना या मलमल जिसे हम जी मचलाना कहते हैं, उसके साथ ही उल्टियां होना, ये सारी शिकायतें आजकल काफ़ी पेशेंट्स में देखी जा रही है। इसमें से कुछ कोविड की वजह से है, कुछ चीज़ें जो है कोविड के बाद में जो डैमेज हो जाता है उसकी वजह से ये सारी शिकायतें हमें देखने को मिल रही है। पेशेंट का एक समस्या आई है जिसे काफ़ी दिनों से बद्धकोष्ठता का प्रॉब्लम था, स्टोन की तकलीफ थी, ऐसे में उसे कोविड हो चुका है, कोविड का ट्रीटमेंट भी लिया है, लेकिन उसे डर है कि मुझे पेट में अभी क्या तकलीफ हो सकती है और मैंने क्या प्रिकॉशन सावधानियाँ लेना चाहिए या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपने जो इस पेशेंट के बारे में कहा है, सबसे पहली चीज़ जो है इन्हें सबसे ज़्यादा एहतियात इस चीज़ के लेनी चाहिए कि भाई इन्होंने हाइड्रेशन अपना अच्छा मेंटेन करना चाहिए, मतलब पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि इन्होंने हो सके उतना जो है एक्सेस यूज़ जो आजकल काढ़ा वगैरह काफ़ी लोग ले रहे हैं, उसमें काफ़ी गर्म होता है, उसके वजह से पाइल्स की शिकायत बढ़ जाती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काढ़ा और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा मॉडरेट इसमें ही रखना चाहिए, लिमिटेड पीरियड के लिए रखना चाहिए, उसमें ज़्यादा अतिरिक्त नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ इनके डाइट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने लीफी वेजिटेबल्स जो कहते हैं हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, जिसके वजह से जो है इनका पेट जो है वो साफ रहेगा, बद्धकोष्ठता की जो तकलीफ़ है वो उनको कम होगी। और रहा सवाल स्टोन का, तो पानी ज़्यादा पिएंगे तो स्टोन की तकलीफ उतनी नहीं होगी। ये सावधानियाँ क्या लेना चाहिए आगे? इन्होंने सावधानियाँ इनको अपना रेगुलर चेकअप करा के लेना चाहिए, जैसे जनरल सर्जन से मुलाकात करके जो है पर रेक्टल एग्जामिनेशन करा के लेना ज़रूरी है, और उसके बाद में एक सोनोग्राफी करके जो है वो स्टोन की अभी की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, किडनी में है, यूरेटर में है या वो नीचे ब्लैडर में आ चुका है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा कोई ऐसी विशेष सावधानी लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, अभी हमें एक परवनी से एक कॉल आया है, मतलब मैसेज आया है, उनका बोलना ऐसा है कि उन्हें अपेंडिक्स भी है और पीछे पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे में उन्होंने कोरोना ट्रीटमेंट लिया है, कोरोना ट्रीटमेंट के इसमें जो मेडिसिन उनमें गई है, अब इन्हें और तकलीफ हो सकती है या फिर इन्होंने कौन सा उपचार लेना चाहिए? अभी ये पेशेंट जो है इन्हें अपेंडिक्स की पुरानी तकलीफ़ है और इनका पाइल्स का भी ऑपरेशन हो चुका है, तो इसमें एक ही चीज़ है कि भाई इनका अगर कोरोना का इलाज होके 6 हफ्ते हो गए हैं
और अपेंडिक्स की वापस अगर शिकायत आती है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के लेना मुनासिब रहेगा। इसके पहले उन्हें एक सोनोग्राफी करा के लेनी पड़ेगी। सोनोग्राफी के अंदर जो है अपेंडिक्स पे अगर सूजन दिखती है तो इनका दूरबीन द्वारे ऑपरेशन कराया जा सकता है। और कोरोना के वजह से इनको कोई बहुत मतलब ज़्यादा दिनों तक ऑपरेशन के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। 6 हफ्ते के बाद में आप सेफली ऑपरेशन करा सकते हैं। डॉक्टर, एज एमएस सर्जन, सर्जरी का आपको काफ़ी अनुभव है, पेट की तकलीफें आपने काफ़ी पेशेंट देखे हैं। अब कोरोना की महामारी से काफ़ी लोग परेशान है, कोरोना कैसा वैसा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कोरोना की वजह से ये अपने बॉडीज पे इफ़ेक्ट हो रहा है, ऐसी अफवाहें या फिर प्रैक्टिकल हो रहा है, तो अपने पेट के ऊपर कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं? अब एक चीज़ हमें कोरोना वायरस को हमें ठीक से समझना होगा। पहली चीज़ तो कि कोरोना वायरस जो है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं एस जिसे हम कहते हैं, तो ये एंजाइम्स जहाँ पर है वो जो रिसेप्टार्स होते हैं इसके, ठीक है, तो ये रिसेप्टार्स जो है लंग्स में ज़्यादा होते हैं, हार्ट में होते हैं और हमारे आतड़ियों में बड़े पैमाने पे होते हैं। तो अब ये कोरोना जब सिम्टम्स आते हैं, 20-25% पेशेंट्स जो है उनको पेट की लक्षण जो है सबसे पहले आते हैं, जैसे कि उनको जो है थोड़ा सा मलमल होना या जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में क्रैम्स आना, लूज़ मोशन होना, ये यहाँ से इस की शुरुआत होती है। लूज़ मोशंस भी ऐसे कोई कॉलरा में होते हैं, इतने सीवियर नहीं होते हैं, लेकिन एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स जिसे हम मरोड़ आना कहते हैं, तो ये एक लीडिंग सिम्टम रहता है और ये 20-25% पेशेंट के अंदर आज के डेट में हमें दिखाई देता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर सिर्फ यही कंप्लेंट्स के साथ में पेशेंट आता है और उस वक्त जो है उनको कोई भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट नहीं होती है, बट आमतौर पे देखा गया है स्पेशली इन सेकंड वेव कि ये एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ में आते हैं, बट बाय 5th or 6th day इनको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स चालू हो जाते हैं। फिर उसमें जो है खांसी आना, गला जो है दुखना या बुखार आना, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें देन स्टार्ट हो जाती है। और बहुत से पेशेंट के अंदर लीवर पे भी काफ़ी सूजन आ जाती है, लीवर एंजाइम्स जो है इन पेशेंट के बढ़ जाते हैं। हेपेटाइटिस की भी कंप्लेंट काफ़ी पेशेंट में देखी गई है। काफ़ी पेशेंट्स जो है वो सेकंड वीक में उन्हें पैंक्रियाटिस देखा गया है और कुछ पेशेंट्स जो कॉम्प्लिकेट होते हैं जिसमें मेसेंट्रिक आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस पाए गए हैं। सो अभी जो सेकंड वेव है इसमें पेट की शिकायत जो है काफ़ी लोगों को है और अभी के समय में पेट की जो शिकायतें है उसको वो सारे केसेस के अंदर हमें कोविड रूल आउट करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए, कोरोना हो गया है, ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, लेकिन उनके दिल में डर है, तो ऐसा हेल्दी पेट रहना चाहिए, इसके लिए इन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ड्यूरिंग दिस कोविड एरा, ये भी हमें अपने खान पान को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। जंक फूड जो है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ये सबसे पहले तो जो है अवॉइड कीजिएगा। दूसरी चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और हाई प्रोटीन डाइट जो है इस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए और पानी बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी है। पानी एक ऑन एन एवरेज जो है 3 लीटर के आसपास कम से कम पानी हर किसी ने पीना चाहिए। इसके काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स हो गए और साथ ही साथ 8 से 9 घंटे की नींद ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती है, हीलिंग प्रोसेस जो है वो हमारे ड्यूरिंग स्लीप जो है हीलिंग प्रोसेस होती है। तो जो लोगों को कोरोना होके भी गया है उन लोगों की नींद जो है रेस्ट एडिक्वेट और कम से कम जो है उन्होंने टेंशन लेना चाहिए। फिकर करना ये कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है, जितना ज़्यादा फिकर करेंगे उतना आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, अच्छे विचार रखिए और रोज़ सुबह
प्राणायाम और योगासन कीजिए, ब्रेथ जिसको हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कहते हैं, ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ कम से कम सुबह और शाम एक एक घंटा आपने जो है फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा आप नेचर के क्लोज रहेंगे उतना अच्छा है। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और मास्क का प्रयोग कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र जो है उसका फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कीजिए, या आप हैंड वॉश साबुन के साथ में कर सकते हैं। पेट के चेकअप में क्या करना चाहिए सर, कितने दिन में करना चाहिए? देखिए, ऐसे कोई डेफिनेट कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आपको पेट की शिकायत है तो ही आप पेट का चेकअप करा के लीजिए, अदरवाइज़ आपको पेट के चेकअप की ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत है तो ही आप डॉक्टर की सलाह पर कोई भी जांच कीजिए और अननेसेसरी सीटी स्कैन्स और ये अवॉइड कीजिए, इससे काफ़ी रेडिएशन होता है। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने काफ़ी हमें अच्छी जानकारी दी है, हम कुछ टिप्स भी दिए हैं पेट के लिए, हम उस पर अमल में लाएंगे और अपने पेट से अपन पेट की बीमारी से दूर रहेंगे। यही हमारा आरोग्य जागृति का अभियान है।